क्लास टेंथ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री में. ओके देखिए कंपाउंड्स बहुत सारे आपको मिलते हैं. ठीक है, या तो नेचुरली अकरिंग होंगे या तो मैनमेड होंगे, सिंथेटिक होंगे. ओके तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में कंपाउंड्स को आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, थ्री पार्ट्स में आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. ओके, इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज द कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स. ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, on the basis of chemical properties compounds are classified into acids bases and salts. ये नाम हमने रखे, इंसानों ने रखे. ठीक है, देखिए अब कोई compound आपको मिलेगा और वो compound acid है कि base है या salt है, इसको बताने के लिए हमारे पास कोई बताने वाला होना चाहिए. ठीक है ना, और हमारे पास बताने वाला जो होता है उसका नाम हमने रखा है indicator. ओके, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि सिंथेटिक भी हो सकते होंगे और नेचुरल भी हो सकते होंगे. ओके, एक इंडिकेटर बहुत फेमस है, लिटमस पेपर. लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन भी लैब में यूज करते हैं हम लोग और लिटमस पेपर भी. तो लिटमस पेपर है यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे. समझ में आ रहा है क्या करेंगे इस चैप्टर में? कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज तीन तरीके के होते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. एसिड बेस और यस, इनको पहचानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का. और इसमें एक बहुत फेमस इंडिकेटर है लिटमस पेपर. ओके, लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर. देखिए आप एक चीज पहले याद करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में तो करेंगे चैप्टर को. आप एक चीज याद रखिए, ए बी रोड, ए बी रोड. ओके, कौन सी रोड? ए बी रोड. ए बी रोड मीन्स वॉट? एसिड, ए फॉर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कर देता है? रेड में. कोई दिक्कत है? तो अब आप नहीं भूलेंगे इसको. ठीक है, तो बेस क्या करता होगा बताइए, बेस क्या करता होगा? रेड को ब्लू में. देखिए ए बी रोड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये देखिए आपने लैब में देखा है, हाँ नहीं देखा है? ये देखिए, ये है लिटमस पेपर ब्लू कलर का और ये है मेरे पास रेड कलर का. ये लिटमस सॉल्यूशन से हमने बनाया हुआ है. ठीक है ना, ये देखिए, और ये ब्लू को मैं ले रहा हूं. आप लोगों को पता है कि लेमन, जो नींबू आप खाते खाने में यूज करते हो, उसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है. तो देखिए अगर इसमें सिट्रिक एसिड होता है तो ये क्या कर देगा ब्लू को? रेड. ठीक है, तो देखिए ये, हालांकि मैं टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन नहीं बना रहा हूँ, पर आप देखिए किस तरीके से ये ब्लू है, सबको दिख रहा है. ये देखिए ये ब्लू दिख रहा है. ओके, कोई दिक्कत है? ये ब्लू कलर का देखिए, इसमें सिट्रिक एसिड होगा. ये देखिए कैसा कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है. ये देखिए रेड कलर आ रहा है इसमें. ओके, तुरंत ही अपना कलर चेंज कर दे रहा है. तो दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर. ये देखिए, ओके रेड हो गया, तो दिक्कत है ना. अब एक काम मैं और करने जा रहा हूं, तो याद हो गया आपको. दूसरा देखिए, अब मैं रेड कलर का लिटमस पेपर लेता हूँ. ओके, ये इसका पिन निकल गया है भाई, कोई बात नहीं, इसको मैं रख देता हूँ वापस. और देखिए सोप का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर. ठीक है, बेस का जो टच होता है, जो बेस आप पढ़ेंगे उसका जो टच होता है, कैसा टच होता है? सोपी टच होता है. ओके, देखिए ये मेरे पास है एक रेड लिटमस पेपर और इसको सोपी सॉल्यूशन कैसा कर देगा? ब्लू कलर का कर देगा. ओके, तो देख लेते हैं इसमें, तो मैं बना सकता था बट मैंने नहीं बनाया. देखिए ये कैसा था? रेड. कैसा हो गया ये? देख सकते हो कैसे कलर चेंज कर रहे हैं. ठीक है, कलर चेंज कर ले रहा है ये ब्लू. ओके,
तो अब भूलोगे तो नहीं है, करके आपको दिखा दिया सिट्रिक एसिड से कौन सा कलर आ गया था, रेड कलर आ गया था ब्लू से, ठीक है। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड टू ब्लू, ओके। अब इधर देखिए, ये इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या बनेगी, वाटर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर था डाइज, डाई क्या होते हैं, ठीक है। डाइज आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस यूज्ड टू एड अ कलर टू और टू चेंज द कलर ऑफ समथिंग, ओके। तो सिंपली डाइज आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ समथिंग, जैसे कि यहाँ पे किसका कलर चेंज कर दिया, यस ओके। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डाइज होते हैं, ठीक है, विच चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ये आपने अभी देखा। अब ये इंडिकेटर आपके नेचुरल भी हो सकते हैं। अब इसके टाइप्स देखिए और इसको नोट करना शुरू करिए, इसमें जो सारी चीजें आपको बताता हुआ चलूंगा। टाइप्स देखिए इंडिकेटर के, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ओके। नंबर वन कैसे हो सकते होंगे ये, नेचुरल। नंबर टू ऑल्फैक्टरी, नो, सिंथेटिक। इसमें एक और स्पेशल कैटेगरी आती है ऑल्फैक्टरी, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। वो किस पे बेस होता है, स्मेल्स पे, ठीक है ना। अब देखिए नेचुरली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो नेचुरली अकर करते हैं। एग्जांपल देखिए, लिटमस सॉल्यूशन, इसमें आपका क्या क्या आएगा, लिटमस सॉल्यूशन। नंबर टू रेड कैबेज, रेड कैबेज देखा है आपने। नेक्स्ट है हाइड्रेंजिया, सुना है आपने हाइड्रेंजिया, हाँ। हाइड्रेंजिया इज व्हाट, हाइड्रोजन इज अ फ्लावर, ओके, एक तरीका का फ्लावर है। इसके अलावा पुदीना, चाइना रोज, ओके, ये सारे इसके एग्जांपल, ये भी नोट कर दीजिएगा, पुदीना चाइना रोज, ओके। अभी अभी आपने देखा था लिटमस ने क्या किया था, बताइए, लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर, लिटमस ने क्या किया था बताइए, यस। तो इसमें हम नोट कर लेते हैं, लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, ओके। नाउ ये लिटमस किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पता है किसी को, यस, लाइचेन, ठीक है। लाइचेन नाम का प्लांट होता है जो कि थायोफाइटा कैटेगरी में आता है, ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेन, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेन प्लांट, ओके, जो कि किसमें आता है, थायोफाइटा, ओके। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रल मीडियम अगर होता है, ओके, अगर न्यूट्रल मीडियम होता है तो इस लिटमस का कलर कैसा होता है, पर्पल, नोट करिए, दिखाया भी मैंने अभी आपको, ठीक है ना। इन न्यूट्रल मीडियम लिटमस कलर इज पर्पल, ओके। नाउ अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, टर्मरिक, ओके, देखिए इसमें क्या होता है कि टर्मरिक में आपको एक क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए मान लीजिए कोई टी शर्ट है व्हाइट कलर की, इस पे टर्मरिक गिर गया, ये हल्दी, ओके, जो कि किस किस में आता होगा, नेचुरल में आता होगा,
ठीक है ना, तो इसको नोट कर लेते हैं टर्मरिक पाउडर। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए एक और नेचुरल में टर्मरिक। ओके ये देखिए, इस पे अगर आपका सब्जी लग गया, सब्जी में क्या होता है टर्मरिक, तो ये कौन से कलर का हो जाएगा? येलो। बट जैसे ही आप इसको साबुन से धोते हैं सोप से, ये कौन से कलर का हो जाता है? रेड कलर का। ओके तो याद रखिए, बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक कैसा हो जाता होगा? रेड। और बट जैसे इसको आप पानी से निकालते हो वापस क्या हो जाता है? येलो कलर। जो इसका कलर है, कलर कैसा है इसका? येलो। जब आप इसको सोपी सॉल्यूशन में डालते हो तो कलर कैसा आ जाता है? रेड। आप करके भी देख सकते हैं, किसी कपड़े पे आप टर्मरिक थोड़ा सा लगाइएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप सोप सॉल्यूशन उसको डालोगे तो रेड हो जाएगा। फिर से वापस पानी से धो दोगे तो पानी क्या करेगा, उस सोपी सॉल्यूशन को हटा देगा, वापस से मीडियम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। और वापस से कलर उसका कैसा हो जाता है? येलो। ओके तो ये शो कर रहा है कि टर्मरिक को भी एज अ इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्मरिक बेसिक मीडियम में कैसा हो जा रहा था? रेड कलर का, याद रखिएगा। तो ये मैं नोट कर देता हूं, टर्मरिक टर्न्स ये रेड हो जाएगा, रेड। ओके टर्मरिक टर्न्स रेड इन विच मीडियम? बेसिक मीडियम। तो दिक्कत है, फिर से ध्यान से सुनिए, अगर आप इसको वापस पानी में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? पानी से बढ़िया इसको साफ कर लोगे तो चार पानी से वापस, हाँ क्यों समझ रहे हो, क्योंकि सोपी सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा उसका, हट जाएगा। और वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, नॉर्मल। आप बार बार वाटर से उसको 8-10 बार धोओगे तो सोपी सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा उसका। सोपी सॉल्यूशन खत्म हो जाने का मतलब है बेसिसिटी उसकी खत्म हो जाएगी सॉल्यूशन की। अब न्यूट्रल होगा वाटर तो वापस कलर कैसा हो जाएगा? येलो। ये आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के आता होगा कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, ठीक है, और आपके ऊपर करी गिर गया है टी शर्ट के ऊपर, ठीक है, वो सोप पे डालने में कौन सा कलर देगा सोपी सॉल्यूशन में, तो ये सब आप बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, रेड कैबेज में रेड कैबेज को देखिए, सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। ओके रेड कैबेज एसिडिक मीडियम में तो रेड ही रहेगा। ओके रेड कैबेज एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा? रेड, नो चेंज। ओके बट बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है? ये ग्रीन। बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है? ये ग्रीन। नोट करिए इसको और लर्न करिए। नेक्स्ट है हाइड्रोजीनिया, जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, इसको रब कर दूंगा। हाइड्रोजीनिया का इफेक्ट देखिए, ये सब आपको लर्न करना है, कन्वर्ट्स इनटू पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। पिंक कलर आ जाता है कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम पे। और नो कलर चेंज इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं होता है, नो कलर चेंज, मतलब उसका जो कलर होता होगा नेचुरल कलर ही रहता है, नेचुरल कलर ही रहता है किसमें? एसिडिक मीडियम। ये सब लर्निंग वाला पार्ट है, ठीक है, कुछ समझाने वाला होगा तो मैं आपको बताऊंगा। कोई डाउट है इसमें? नोट करिए। गिरा के आप देखिए कैसा हो जाएगा, ब्लैक उसका इफेक्ट नहीं आने देगा ना, व्हाइट पे देखिए आप।
ओके डन। नेक्स्ट देखिए, नोट कर लिया ये। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स की एग्जांपल, ये नोट कर लिया नीचे। सिंथेटिक इंडिकेटर में मेरे पास एग्जांपल है, नंबर वन फिनोफ्थलीन, सुना है आपने? ओके, देखिए फिनोफ्थलीन की प्रॉपर्टी, इट टर्न्स पिंक इन बेसिक मीडियम। ओके, नंबर वन टर्न्स पिंक इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है? पिंक। ओके, और एसिडिक मीडियम में कलरलेस है। ओके, बट कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। ओके, अब सुनिए ध्यान से, इसमें प्रैक्टिकल आपको बोला जाएगा कि आपको ये एक बीकर में एसिड दे दिया गया, एसिडिक सॉल्यूशन है ये, एक्वस। ओके, बोला जाएगा कि ये बेसिक सॉल्यूशन, कैसे पता चलेगा कि आपको ये सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन बन गया? कैसे करेंगे इस प्रैक्टिकल को? आप देखिए, यस, एसिडिक सॉल्यूशन, ध्यान रखिए इधर, इसमें ओनली वन और टू ड्रॉप क्या डाल दोगे आप? फिनोफ्थलीन। ये देखिए, इसमें वन और टू ड्रॉप आपने क्या डाल दिया? फिनोफ्थलीन। अब धीरे धीरे इसमें क्या ऐड करोगे? बेस। सॉल्यूशन फाइनली आपको कैसा बनाना है? बेसिक। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें आप बेस डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा अचानक से अपना कलर क्या कर देगा? चेंज। क्यों कलर चेंज कर देगा? सोचिए, पहले कैसा था? एसिडिक इन नेचर। जब तक एसिडिक इन नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? ट्रांसपेरेंट। ओके, कलर कब देगा? जस्ट जब वो क्या बन जाएगा? बेस। मतलब पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए एसिडिक एसिड के लिए, हालांकि हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप प्लीज समझ लें, एसिडिक के लिए कौन सा एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एच प्लस। पता है आपको कि नहीं? नहीं पता है तो सुन लीजिए। और बेसिक सॉल्यूशन के लिए कौन है? OH माइनस आयन। ठीक है, बेसिक होने का मतलब है कि जब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जस्ट किससे ज्यादा हो जाएगा? H प्लस आयन से ज्यादा हो जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? बेसिक। और उस टाइम ही ये सॉल्यूशन अपना कलर कैसा दिखा देगा? पिंक। तो सुनिए, ऐसा नहीं कि जैसे कलर सॉल्यूशन अपना पिंक दिखा दे आप और बेस डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। बस आपको बेसिक करने के लिए बोला था ना, आप तुरंत रोक दीजिए। किया किसी ने प्रैक्टिकल लैब में? नहीं किया, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ गए प्रैक्टिकल? जैसे ही पिंक कलर आ जाएगा आप समझ जाएंगे सॉल्यूशन क्या हो गया है? बेसिक। मतलब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किससे ज्यादा हो गया है? H प्लस। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट इसमें देखिए, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज दूसरा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम। ओके, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम। नंबर टू,
इट टर्न्स येलो इन बेसिक मीडियम, इट टर्न्स येलो इन बेसिक मीडियम, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर रिलेटेड टू स्मेल, ओके। ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, या तो कर लेते होंगे या तो नहीं करते होंगे, ठीक है। देखिए इसको रब कर दो ऊपर का, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर रिलेटेड टू सेंस और स्मेल। इसके दो एग्जांपल है हमारे पास, वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड ओनियन एक्सट्रैक्ट, ओके। एक्सट्रैक्ट मतलब समझ रहे हैं, उससे जो भी लिक्विड फ्लूइड जो निकाला गया होगा, ओके। वेनिला एंड ओनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड इनकी अपनी कुछ स्मेल होती होगी, प्याज का जो एक्सट्रैक्ट होता है, ओनियन का, ठीक है, वेनिला का अपना स्मेल होता है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट। देखिए दोनों के बारे में यहां बताया जा रहा है, इन बेसिक मीडियम दे डिस्ट्रॉय देयर स्मेल, ओके। इन बेसिक मीडियम दे डिस्ट्रॉय देयर स्मेल, मतलब अगर मीडियम बेसिक होगा तो इनमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी, बट अगर मीडियम एसिडिक होगा तो वैसी ही स्मेल आएगी, मतलब नो चेंज अकर, ओके। तो इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम दे डिस्ट्रॉय देयर स्मेल, ओके, बट इन एसिडिक मीडियम व्हाट हैपेंस, नो चेंज अकर, नो चेंज अकर, कोई भी चेंज नहीं होता, जैसा आता होता है वैसे आता होता है, समझ गए। अब आपको कोई सॉल्यूशन मिला है, ट्रांसपेरेंट है, बोला जा रहा है एसिडिक की बेसिक, बताइए तो क्या करोगे, ओनियन एक्सट्रैक्ट के साथ उसको ट्रीट करोगे, फिर स्मेल देखो ये कैसी आ रही है। अगर स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। अगर स्मेल नहीं आती है वैसी, उनकी स्मेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है, सो द सॉल्यूशन इज बेसिक, ओके। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अच्छा इससे पहले और कुछ देख लेते हैं, ये रब कर दो। देखिए हम एसिड्स की ना प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी फिजिकल कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में करेंगे एसिड की, ओके। नंबर वन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इसमें देखिए, हाँ भाई बताइए, टेस्ट में कैसे होते हैं एसिड, अभी सिट्रिक एसिड आप, यस सार होते हैं, खट्टे होते हैं, तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड्स आर, अब ऐसा नहीं कि सारे एसिड को आप टेस्ट करके चेक करेंगे, नो, इंडिकेटर्स अवेलेबल है, ठीक है, बिकॉज जो सिंथेटिक होते होंगे वो हार्मफुल होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि H2SO4, ओके, तो सारे एसिड्स आर सार इन टेस्ट। नेक्स्ट नंबर टू, हाँ ओके, नेक्स्ट देखिए, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, ब्लू टू रेड लिटमस पेपर को। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, यस है ना, व्हाई अभी देखते हैं, इस पर हम लोग और भी डिटेल में, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, काफी डिटेल में सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज ये अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, जैसे कि
HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसमें किसमें डिसोसिएट होगा? ओके, ये आयंस जो होंगे, यू नो दैट आयंस हेल्प्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इसमें नोट भी कर सकते हैं आप, दे डिसोसिएट इनटू आयंस. दे डिसोसिएट इनटू, डिसोसिएट मतलब टूट जाते हैं, दे डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. When dissolved in water, okay? कैसे ब्रेक होते हैं उसका मैकेनिज्म आपको पता है, वॉटर का स्ट्रक्चर पता है, O पे क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट को खींचता होगा, और H पे कैसा है, पॉजिटिव. ये देखिए, ये वॉटर है, H2O, ये कैसा है, नेगेटिव पार्ट, ये कैसा है, पॉजिटिव. नेगेटिव किसको खींचता होगा, HCl में, पॉजिटिव को, और H किसको खींचता होगा, Cl को. तो ये यहां से ब्रेक हो जाता है, H plus Cl. ओके, नाउ ये हो गया. नेक्स्ट देखिए, अब एसिड्स को भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं. अभी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. कोई दिक्कत है इसमें, नोट कर लिया है? इधर देखिए, ये एसिड्स भी आपके दो तरीके के हो गए, नंबर वन ऑर्गेनिक एसिड एंड नंबर टू सिंथेटिक एसिड. ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स और सिंथेटिक एसिड. ठीक है, अब देखिए, ऑर्गेनिक एसिड मींस व्हाट, नेचुरल एसिड्स. ठीक है ना, तो नेचुरल एसिड्स की एग्जांपल देखिए, नंबर वन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सिंबल देखिए कैसे बनाते हैं, H कैपिटल A C, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, एसिटिक एसिड का नहीं, जिसको पता है सुन लीजिए, एसिटिक एसिड अभी हम हाइड्रोकार्बन में डिटेल में पढ़ेंगे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH. ओके, इधर ध्यान दें, इसको ऐसा पलट के लिखो, तो इसको ऐसा पलट के लिखोगे, फ्लिप कर दो तो H इधर आ जाएगा, और ऐसा लिख दो CH3CO, या और अच्छे से लिखो तो ओ ओ सी एस थ्री. ठीक, इसको मैंने फ्लिप कर दिया. अब ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, एसिटिक आयन है, लिस्ट दिया है, देखो उसमें सी एस थ्री सी ओ माइनस क्या होता है, एसिटिक आयन, सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस एसिटिक आयन होता है. तो यहां से इसको ब्रेक करो, ये हो गया कौन सा पार्ट, एसिटिक, को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, ए सी, और ये एच, तो एच ए सी इज द सिंबल फॉर एसिटिक एसिड. ओके, नाउ अब ये एसिटिक एसिड कहां मिलता है, पता है आपको कहां मिलता है, बताइए, विनेगर के जो सिरका होता है, पता है आपको, सिरका जिसको बोलते हैं हिंदी में, विनेगर में. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाँ भाई बताइए, फॉर्मिक एसिड कहां मिलता है,